डॉन डॉट वशिष्ठ नारायण सिंह एक प्रतिभाशाली बालक थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नेत्रहाट आवासीय विद्यालय से प्राप्त की और उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पटना साइंस कॉलेज से प्राप्त की। उन्हें एक छात्र के रूप में मान्यता तब मिली जब उन्हें पटना विश्वविद्यालय द्वारा अपने 3 वर्षीय BSSC ऑनर्स गणित पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में परीक्षा देने और बाद में अगले वर्ष MSSC परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। सिंह 1965 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में शामिल हुए और 1969 में डॉक्टरेट सलाहकार जॉन एल कैली के अधीन चक्रीय वेक्टर साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी के साथ रिप्रोड्यूसिंग कर्नेल और ऑपरेटर्स में PhD प्राप्त की। डॉट वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। हालांकि नासा की घटना और आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती देने की बात की पुष्टि ठीक से नहीं की जा सकी है। डॉक्टर सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1946 को भारत के बिहार में भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में एक पुलिस कांस्टेबल लाल बहादुर सिंह और लहासो देवी के घर हुआ था। अपनी PhD प्राप्त करने के बाद सिंह सहायक प्रोफेसर के रूप में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के प्रतिभा को दुनिया भर में पहचान मिलने की एक रोचक कहानी है। कहते हैं जब वह नासा में काम कर रहे थे तब अपोलो की लॉन्चिंग के वक्त तिस कंप्यूटर एक बार कुछ समय के लिए बंद हो गया था। उस वक्त डॉक्टर वशिष्ठ भी उसी टीम का हिस्सा थे। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उन्होंने अपना कैलकुलेशन जारी रखा और जब कंप्यूटर ठीक हुआ तो उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक था। डॉक्टर सिंह के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। हालांकि नासा की घटना और आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती देने की बात की पुष्टि ठीक से नहीं की जा सकी है। वह 1976 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में पढ़ाने के लिए भारत लौट आए। 8 महीने के बाद वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR बॉम्बे में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक अल्पकालिक पद पर काम किया। बाद में उन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में एक संकाय नियुक्त किया गया। सिंह ने 1973 में वंदना रानी सिंह से शादी की और 1976 में उनका तलाक हो गया। बाद में उन्हें सिजोफ्रेनिया का पता चला। 1970 के दशक के अंत में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें कांके या झारखंड में केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में भर्ती कराया गया और 1985 तक वहीं रहे। 1987 में सिंह अपने गांव बसंतपुर लौट आए। वह 1979 में पुणे की अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान गायब हो गए और 4 साल बाद 1923 में सारण जिले के छपरा के पास डोरीगंज में पाए गए। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज निमहांस में भर्ती कराया गया। 2002 में उनका इलाज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज IHBAS दिल्ली में किया गया। वर्ष 2014 में डॉक्टर सिंह को मध्यपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय BNMU में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सिंह का लंबी बीमारी के बाद 14 नवंबर 2019 को पटना के पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को 2020 में मरणोपरांत भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया। गया।